अगली खबर सीएम सिटी करनाल से है। जैसा कि हम आपको अनशन पर बैठे अतिथि अध्यापकों की पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, इसी बीच अब खबर में नया मोड़ आया है। धरने पर बैठे एक गेस्ट टीचर की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन सरकार अब भी खामोश बैठी हुई है। सरकार की वादी खिलाफी से आहत प्रदेश के गेस्ट टीचरों में भारी गुस्सा पनप रहा है। आज गेस्ट टीचरों का करनाल के सेक्टर 12 में आमरण अनशन 14वें दिन में प्रवेश कर गया। आमरण अनशन पर बैठे गेस्ट टीचर राजकुमार काली रमन की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। राजकुमार काली रमन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार समय रहते अपना चुनावी घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा करे। उसके बाद गेस्ट टीचर को पूरा वेतन देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन वह अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। सरकार ने फरवरी 2019 में एक्ट बनाने के बाद भी घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया है और ना ही पूरा वेतन दिया है। मुख्यमंत्री ने कल गेस्ट टीचर को एक्ट के अनुसार 3% की घोषणा की थी कि क्या 3% की घोषणा से सरकार ने जो वादा गेस्ट टीचर को पक्के करने का किया था, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। सरकार बार बार हथकंडे अपनाने की बात ना करे। मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि हमने गेस्ट टीचर को नियमित कर दिया है, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि गेस्ट टीचर को नियमित कर दिया गया है, दूसरी तरफ गेस्ट टीचर को एक्ट के अनुसार 3% डीए देने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री दी जब नियमित कर दिया तो 3% डीए देने का क्या मामला? मुख्यमंत्री जी बार बार गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए मैना यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री जी गेस्ट टीचर को गुमराह करने का कार्य करें, जो अपने घोषणा में वादा किया है उसको पूरा करें। यदि आप घोषणा पत्र में किया वादा पूरा नहीं किया तो उसके लिए गेस्ट टीचर कड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसके जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। वहीं शुक्रवार को लघु सचिवालय वाली सड़क पर जहां से हर उच्च अधिकारी का आना जाना होता है, पूरा दिन गेस्ट टीचरों ने जाम लगा कर रखा, जिससे कि इस मेन सड़क पर वाहनों का आवागमन नहीं होने से वाहन सेक्टर 12 की मेन मार्केट से आते जाते रहे। इससे दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई बड़ी घटना न घटित हो जाए इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। भाई राजकुमार आगे बढ़ो, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अनुचित कदम न उठाए। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए गेस्ट टीचर। अगर प्रशासन कुछ गलत करता है उसके बाद जो हरकत होगी उसकी जो जिम्मेदारी है हरियाणा सरकार और प्रशासन की होगी। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, अब हम सहन नहीं करेंगे। एक फौजी जैसे सीमा पे लड़ता है हमें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे सीएम हैं उनका यही नहीं पता कि मैं सीएम हूं क्यों। खुल्लर से पूछूंगा, कहा भाई सीएम खुल्लर रखो आप, जब आप फैसला लेने के आपके अंदर ताकत ही नहीं है तो फिर आप सीएम क्यों बने? आप जवाब दे देते हाईकमान को। और मेरा तो खट्टर साहब से यही आग्रह है कि अधिकारियों के बहकावे में ना आए जो उन्होंने वादा किया था। एक बार नहीं कई कई बार किया था, मीडिया में भी अपनी उसने फोटो करवाई थी कि अतिथि अध्यापकों को समान काम समान वेतन दे दिया, और जन आशीर्वाद रथ यात्रा के दौरान भी उसने जनता को बताया कि हमने अतिथि अध्यापकों को नियमित कर दिया। एक संघ का आदमी होने के बाद खट्टर साहब इतने झूठ बोल लेंगे, मैं इस बात से बहुत बेचैन हूँ कि संघ का आदमी झूठ बोल। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।